हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी राबड़ी मालपोहा। ये बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था तो आज बनाया। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राबड़ी मालपोहा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। राबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया, ये राबड़ी बनाऊँगी। और फ्राइंग के लिए ऑयल, 1.5 कप मैदा, 1 कप सूजी, 1 कप शुगर, 100 ml मिल्क, 4 इलायची को पाउडर बना के रखा, 1 चम्मच सौंफ और आलमंड और पिस्ता को बारीक चॉप करके रखा, 1 चम्मच करे के यूज़ करूँगी। मिल्क बॉयल होने को लिए रख दिया। मिल्क को 1/3% बॉयल करके रिड्यूस कर लूँगी। मिल्क बॉयल होके आधा रिड्यूस्ड हो गया और जो इलायची आधा बचा के रखा था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और साइड से जो मलाई जम रहा है वो ऐसे स्क्रैच करते जाने का और मिल्क में मिलाते जाने का तो रबड़ी बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बन जाएगा। रबड़ी गाढ़ा हो गया और ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। तो गैस बंद करके नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए शुगर 200 ग्राम और 100 ml पानी ऐड करके चाशनी बनाने के लिए रख दिया। शुगर मेल्ट हो गया, अभी जो इलायची पाउडर लेके रखा था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। थोड़ा गाढ़ा कर लूँगी। शुगर सिरप बन के रेडी हो गया, गैस बंद कर देती हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मैदा में सूजी, शॉप ऐड कर दिया और अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। और 1 चम्मच शुगर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाऊँगी और बेटर तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ बेटर तैयार कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी सेट होने के लिए 20 मिनट्स छोड़ देती हूँ। बेटर सेट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया और दूसरा तरफ फ्लिप कर लेती हूँ। सारे मालपुआ का ऐसे फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सारे मालपुओं को फ्राई कर लिया और शुगर सिरप में डिप करूंगी। एक एक करके ऐड करूंगी शुगर सिरप पे और 5 मिनट्स करके डिप कर लूंगी। ऐसे सारे मालपुआ को शुगर सिरप में ऐड करके रेडी कर लेती हूँ। मालपुआ को शुगर सिरप में डिप करके हो गया, एक प्लेट में ले लेती हूँ। राबड़ी भी ठंडे हो गया, ऊपर से राबड़ी ऐड कर देती हूँ। कितना अच्छा लच्छेदार राबड़ी बन के रेडी हो गया, वो भी मालपुआ में डिप करके रख देती हूँ और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देती हूँ।
टेस्टी रबड़ी मलपोहा बन के रेडी हो गया। ये रबड़ी के साथ मलपोहा सर्व किया और ए प्लेन शुगर सिरप में डिप करके मलपोहा सर्व किया। ऐसे बनाइए। एक ही रेसिपी में दो टाइप का आप लोग को दिखाया। रबड़ी मलपोहा का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, फाइनली आज बनाया। ऐसे बनाइए, आप लोग को एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।